नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत पांडे, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। नागद्वार यात्रा नाग पंचमी के 10 दिन पहले ही शुरू होती है। यह प्रतिबंधित क्षेत्र होने के कारण साल में सिर्फ 10 दिन के लिए ही खुलती है। हम इस पार्ट में आपको दादाजी धुनी वाले बाबा जी के दर्शन, गुलाल शेष, हल्दी शेष और चित्रशाला माता के दर्शन के साथ नेचुरल वाटरफॉल दिखाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर 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 हर।
एक रास्ता जाता है चिंतामणि और इधर से हम आए अभी हल्दीगढ़ से, हल्दी से, सॉरी हल्दी से आए। माता का ये पहली पायरी कही जाती है, यहाँ से जो धागा बांधा जाता है तो वहाँ तक माता तक, और कहा जाता है कि जो औरत ये धागा बांधती है और मन में कोई मन्नत मांगती है तो उसकी पूरी हो जाती है। चित्रशाला ख़त्म होने के बाद वहाँ से दोनों रास्ते निकलते हैं, एक रास्ता जाता है सीधा भजेगिरी, तो अभी हम जा रहे हैं दूधगंगा। हर हर थोड़ा फिसलन वाला रास्ता है, संभल के चलना पड़ेगा। देख सकते हो पूरे हरे हरे फिसलन वाला भाग है, यहाँ से बहुत केयरफुली नीचे उतरना पड़ेगा। मैं आपको नीचे जाने के बाद दिखाता हूँ।
चलो दूधगंगा वाटरफॉल तो हो गया, अभी चलते हैं भजियागिरी। यहाँ तक सब ठीक था, पर अभी दिक्कत ये हो गई है कि सीढ़ी पर आने वाले लोग और जाने वाले लोगों की भीड़ लग गई है। मैं यहाँ पर आधे घंटे से खड़ा हूँ और समय पता नहीं अभी कितनी देर मुझे यहाँ पे खड़ा रहना पड़े। अरे अरे